नमस्कार, मैं हूं जयनिश मिश्री और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। अब वक्त है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की दोनों विधानसभाओं के भी दूसरे राउंड के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा को 9752 वोट मिले, वहीं इंडिया गठबंधन के महेंद्र ने 5412 वोट हासिल किए। भाजपा के महेश शर्मा बसपा के राजेंद्र सोलंकी से 4340 वोटों से आगे रहे, सिर्फ 5132 वोट पा सके बसपा के राजेंद्र सिंह सोलंकी। भोला सिंह को 28166, शिवराम को 13650, गिरीश चंद्र को 5246 वोट मिले। अगली खबर आ रही है शामली से, बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट हॉट सीटों में शुमार है। कैराना लोकसभा सीट पर सुबह 8 बजे से ही जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह और चुनाव पर्यवेक्षक रवि जैन की देखरेख में मतगणना का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी 4000 वोटों की लीड दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद चौथे और पांचवें राउंड में सपा प्रत्याशी इकरा हसन बहुत तेजी के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दी और आठवें राउंड में इकरा हसन करीब 4000 वोटों की लीड लेकर बढ़त बनाए हुई थी, लेकिन 12 राउंड में बीजेपी के प्रदीप चौधरी करीब 8000 वोटों की बढ़त बना गए। कैराना लोकसभा सीट पर रस्साकसी का चुनाव देखने को मिल रहा है। भाजपा के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को सपा की इकरा हसन बड़ी मजबूती के साथ टक्कर दे रहे हैं। वहीं कैराना लोकसभा सीट पर चल रहे रोमांचक मुकाबले पर सभी राजनीतिज्ञों की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट बहुत हॉट सीटों में समा रहती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी व भाजपा के प्रदीप चौधरी के बीच कांटे की टक्कर देखने को नजर आ रही है। पहले दो राउंड में प्रदीप चौधरी ने पूरी तरह से बढ़त बनाई थी, लेकिन चौथे और पांचवें राउंड में हसन बढ़त बनाती हुई नजर आई है और आखिरी दौर की 9 राउंड की गिनती में अभी तक इकरा हसन 518 वोटों से आगे है। देखने में ये आ रहा है कि दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और जो मतगणना कार्य है वो DM रविंदर सिंह और अभिषेक SP पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरी सुचारू रूप से चल रहा है। खबर आ रही है हरिद्वार से, यहां सामान्य ऑब्जर्वर लोचन सहरा, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर धीराज सिंह गर्ब्याल ने सोमवार को केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर मतगणना के लिए चल रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि बैरिकेटिंग, टेंट, पेयजल, खान पान, विद्युत, इंटरनेट, पार्किंग आदि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हों। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्र में सिर्फ तैनात किए गए एजेंट और कार्मिक ही प्रवेश करेंगे। दोनों की एंट्री अलग अलग मार्ग से कराने के लिए बैरिकेटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मतगणना CCTV की निगरानी में रहेगी। उन्होंने कहा मतगणना स्थल और सभी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के मानकों के मुताबिक सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल में पार्किंग, पेयजल व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने मतगणना स्थल पर पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए कैंपर और टैंकर लगाने के साथ ही सभी कर्मिकों के लिए शुद्ध ताजे खान पान की व्यवस्था करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। उसमें देखो सेंट्रल स्कूल में यहाँ पे हमारी काउंटिंग होगी और लगभग 8 बजे से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शुरू होगी और उसके ठीक आधे घंटे बाद फिर हमारी EVMs की काउंटिंग होगी। 11 विधानसभाओं में लगभग 92 टेबल हमारे EVMs के लग रहे हैं और मैक्सिमम राउंड हमारा 23 राउंड का होगा जो हरिद्वार का है शहर का, और बाकी 21 राउंड, 19 राउंड और 15-17 राउंड हैं। और जो ATTBS के लिए हैं वो 30 टेबल हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें हर 10 टेबल में एक ARO की तैनाती की गई है। और पोस्टल बैलेट में लगभग 40 टेबल हम लोग लगा रहे हैं और उसमें हर टेबल में एक ARO रहेगा। हमारे जनरल ऑब्जर्वर साहिबान आ चुके हैं, एक कर्नाटक से आए हुए हैं और मध्य प्रदेश से एक आए हैं और एक गुजरात से आए हुए हैं। तो जो कुल मिला के जो हमें लगता है कि कल 4-4:30 बजे तक हमारी काउंटिंग हमारी पूरी हो जाएगी। सर इसमें कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, सुरक्षा में कितने? उसमें देखिए हर टेबल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कम से कम
लगभग 500 के करीब हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो काउंटिंग में हमारे ड्यूटी में लगे हैं, और वैसे ही लगभग 1500-1600 करीब हमारे पुलिस पर्सनल्स हमारे सुरक्षा को लेके यहाँ पे उनकी तैनाती की गई है। और उसमें इनर कॉर्डन में देखिए तो वो ITBP है, आउटर कॉर्डन में हमारे PSC है, और उसके बाहर जो पेरीफेरी में हमारे यहाँ के सिविल पुलिस लगी है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अलग से हम लोगों ने पुलिस फोर्स लगाया हुआ। सर, विजय जुलूस को लेकर क्या रहेगा? अब उसमें देखिए, बिना परमिशन के कोई जुलूस तो निकालेगा नहीं, अगर इसका उल्लंघन होता तो उसको हम लोग देखेंगे उस हिसाब से। आपकी दुकान पर भी बंद रखा गया? वो भी बंद रखा जाएगा। जनरली हमेशा यही रखा जाता है कि जब काउंटिंग या ऐसे अवसर आते हैं तो उसमें दुकानें भी बंद रहती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, इंडिया गठबंधन से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह से 84,513 वोटों से आगे हैं। लोकसभा 8 संभल से समाजवादी प्रत्याशी जिया उल रहमान वर्क भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी से 43,076 वोटों से आगे चल रही है। बता दें कि सपा प्रत्याशी रुचि वीरा 3,40,946 पर है, बीजेपी स्वर्गीय सर्वेश सिंह 2,76,143 और BSP के प्रत्याशी इरफान सैफी को 49,645 वोट मिल रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दे रही बीजेपी को झटका लगा है। 400 सीटें तो दूर रुझानों में, बीजेपी अकेले दम पर भी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। अब तक के रुझानों में NDA 295 सीटों से आगे बढ़ गई, जबकि 239 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि NDA ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी बीच PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने TDP अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने नायडू को लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के परिणाम को लेकर बधाई दी है। वहीं इंडिया गठबंधन 225 सीटों पर आगे चल रहा है। इस बीच बीजेपी नेताओं ने TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू को फोन किया। बीजेपी नेताओं ने नायडू से फोन पर बातचीत की। बता दें कि TDP ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। TDP फिलहाल 16 सीटों पर आगे चल रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़। धन्यवाद।